इसी बीच एक और बड़ी खबर बीजापुर से देखेंगे, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। हैंडपंप के पास आईईडी बॉम्ब को प्लांट किया गया था। आईईडी बॉम्ब में विस्फोटक से मवेशी की मौत हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तर्रेम गांव की घटना बताई जाती है। ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस बॉम्ब को प्लांट किया गया था। तो नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर, हैंडपंप के पास इस आईईडी बॉम्ब को प्लांट किया गया था, जिसमें विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक मवेशी की मौत हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के पर्पस से इस बॉम्ब को प्लांट किया गया था। तो नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, आईईडी बॉम्ब को प्लांट किया गया था जिसमें विस्फोट हुआ, हैंडपंप के पास इसको प्लांट किया गया था, विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक मवेशी की मौत हुई है। पवन दुर्गम ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कितनी देर पहले की घटना है, क्या जानकारी और इस वक्त आप दर्शकों को दे पा रहे हैं? जी, आपको बता दूं, ये करीब सुबह तड़के सुबह की घटना है। इससे पहले भी उस इलाके में, बासागुड़ा जो थाना क्षेत्र है उस इलाके में, तर्रेम के इलाके में कई बार जो माओवादी है वो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के आईडी प्लांट करते रहे हैं। उसमें कई बार जो जवान है वो भी इसकी जद में आ गए हैं, घायल हुए हैं, मौत शहीद हो चुके हैं और मवेशी जो है वो भी। क्या क्षेत्र में अब सर्चिंग बढ़ा दी गई है? जी, आपको बता दूं, इस तरह की घटना के बाद अमूमन जो सर्चिंग है सीआरपीएफ की टीम है एरिया डोमिनेशन पे निकलती है और उस आसपास के इलाके को घेर लेती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बैतूल में दो बाइकों की टक्कर के बाद